बदलते भारत की शान। नमस्कार। भारत में एक पुरुष किसान साल भर में 1800 घंटे काम करता है खेती से जुड़े हुए, और उसी एक साल में एक महिला किसान 3000 घंटे काम करती है खेती से जुड़े हुए कार्यों को लेकर, और उसके साथ साथ वो अपना परिवार, उसकी भी देखभाल करती है, पशुओं की भी देखभाल करती है। तो आप कह सकते हैं कि एक सच्चे मायने में वर्किंग वुमेन जो है वो हमारी महिला किसान है। ये हमारी महिला किसान हमारे देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है, उसकी धुरी है। और ऐसी महिला किसानों को उनके काम का सम्मान मिले, उन्हें उसकी पहचान मिले, इसीलिए 2016 में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने महिला किसान दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। आज वही दिन है। आप सबको महिला किसान दिवस की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज डीडी किसान के हमारे स्टूडियो में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारी ऐसी महिला किसान यहाँ उपस्थित हैं। आइए पहले तो उनका हम स्वागत करें आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों से आए महिला किसानों से बातचीत करने का हम सबको अवसर मिलने जा रहा है। और इस क्रम में सबसे पहले अपने तीन महिला किसानों को, जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आपसे बातचीत के लिए, मुझे लगता है कि एक बार फिर से आप सबको अपनी तालियों के साथ हमारे इन बहनों का, इन महिला किसानों का स्वागत अभिनंदन करने की आवश्यकता है। तबस्सुम जी, कश्मीर से आप यहां तशरीफ लाई हैं, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। आपसे बातचीत और आप सबसे बातचीत हम शुरू करें उसके पहले मेरी कोशिश है कि हम सब पहले उस यात्रा को देखें जो आपकी अपनी अभी तक की यात्रा रही है, और इसीलिए एक एवी है उसको हम अपने आपको भी दिखाना चाहते हैं और अपने श्रोताओं दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि वो देखें और इस यात्रा को अच्छे से समझें, कितनी चुनौतीपूर्ण रही है लेकिन कितनी सारगर्भित भी रही है। आइए देखते हैं। चाडूरा कश्मीर के बडगाम जिले का एक छोटा सा आकर्षक गांव है। यहां की रुबीना तबस्सुम आज फूलों की खेती की एक सफल व्यवसायी मानी जाती हैं। छोटी सी सतह से फूल उत्पादन और बिक्री का काम आरंभ करने वाली रुबीना का व्यवसाय आज अपने गांव की सीमाएं पार कर चुका है। मैंने रेडियो पर एक एड सुना कि जेके ईडीआई एक प्रोग्राम कर रहा था, मंजिले और भी है, वो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर पर 10 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं। तो मैंने वहां से ही स्टार्ट किया और 10 डेज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही 11th डे को ही मैंने मन बना लिया, इन 10 दिनों में मैंने मन बना लिया कि मुझे करना ही करना है। यूनाइटेड फ्लोरीटेक के नाम से व्यवसाय शुरू करने वाली रुबीना को आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई। इससे उत्साहित होकर रुबीना ने अपने व्यवसाय में विस्तार का निश्चय किया। आज उनका ये व्यवसाय कृषि उद्योग का रूप ले चुका है। हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़मीनें हैं जो वेस्ट पड़ी हुई है, उनको हम यूज़ में ला के रेंट पर ज़मीन ले सकते हैं। हमारा भी जो बड़ा यूनिट है जहाँ पर हमारा लेवेंडर और रोज़ है, वो भी हमने रेंट आउट किया हुआ है, तो उस पर हमने कल्टीवेशन की हुई है। कश्मीर का एरिया, इसमें पोटेंशियल है बहुत इस एरोमेटिक एंड मेडिसिनल में। ये एक एलाइड एक्टिविटी थी तो मैंने चूज़ किया कि मैं ये भी ऐड करूँ। रुबीना ने व्यवसाय के विस्तार में सुगंधित फूलों और जड़ी बूटियों की खेती को भी साथ जोड़ लिया। इसके लिए उन्होंने किराए पर जमीन ली। सफलता प्राप्त होने पर उन्होंने सुगंधित फूलों से तेल निकालने के लिए एक प्लांट भी स्थापित किया। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से निकाले गए तेल को अलग अलग आकार और मात्रा वाली बोतलों में भरकर बेचा जाता है। MBA की डिग्री प्राप्त रुबीना ने इंटरनेट पर डिजिटल बिक्री आरंभ कर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहुंच बनाई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर आउटसाइड टर्मिनल बिल्डिंग हमारा 8 साल तक हमारा रिटेल आउटलेट रहा, और जो चाडूरा में भी हमारा एक आउटलेट है,
और बाकी जो है हम पैन इंडिया दे देते हैं, जैसे कि कट फ्लावर्स है, डेली मंडी वगैरह में भी बेच देते हैं, और जो ये एरोमेटिक एंड मेडिसिनल है ये पूरे इंडिया में हम प्रोवाइड करते हैं। रूबीना को इस कार्य के लिए सरकार ने अनेक बार सम्मानित किया है। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय सतह तक उन्हें ढेरों सरकारी इनाम प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक जो हमारी अप्रिसिएशन हुई है वो चैंपियन फार्मर अवार्ड, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जो दिल्ली में मिला है, इमर्जिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो वो भी दिल्ली में मिला है, एमएसएमई और एमएससी ने किया था। 2007 में मुझे बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड्स मेरे लिए बहुत ही माने रखते हैं, क्योंकि इससे एक तो एनकरेजमेंट बढ़ती है, दूसरे मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है कि मैं और काम करूँ और लोगों को शामिल करूँ। रूबीना ने पारिवारिक जीवन का दायित्व भी उसी निष्ठा से निभाया है जितनी निष्ठा से वो अपना व्यवसाय चला रही है। दोनों के मध्य संतुलन बना लेना उनकी योग्यता को दर्शाता है। इसमें संदेह नहीं कि रूबीना महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन गई है। रूबीना जी, आपके काम की खुशबू जो है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है, देश में भी और विदेशों में भी। पर शादी के बाद कैसे ये ख्याल आया? जी, शादी के बाद मैं एक्चुअली मेरी शादी थोड़ा अर्ली एज में हुई, तो मेरा जो ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो उस वजह से वो पढ़ाई रह गई। लेकिन पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं, पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी। जब तीनों बच्चों की स्कूलिंग शुरू हुई तब मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ अपना करना चाहिए। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली तो ये किसानी वगैरह कर लेते हैं, तो हमारी अपने किचन गार्डन में भी, तो मैंने सोचा कि ये एक प्रोफेशनल वे में मैं करूँ, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अच्छा, एक बड़ी समस्या ये आती है किसान के रूप में, चाहे महिला किसान हो और महिला किसान हो तो थोड़ी ज़्यादा चुनौतियाँ रहती हैं। जो प्रोडक्ट है, आपका उत्पाद है, उसको उसकी प्रोसेसिंग का, उसकी मार्केटिंग का, ब्रांडिंग भी उसमें शामिल है, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो दुनिया भर में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसे आपने मैनेज की? मुझे लगता है कि बाकी बहनों को भी जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको भी इससे बड़ी एक लाभ मिलेगा, एक रोशनी नजर आएगी। हमारे यहाँ इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है शादियों वगैरह में फूल लगाने का, अब हो गया है, लेकिन उस टाइम मैंने 16 साल पहले शुरू किया तो उस टाइम नहीं था। तो ये हमें दिल्ली ही भेजना पड़ता था, या चंडीगढ़, या किसी और फ्लावर मंडी में, या किसी रिटेल आउटलेट या होलसेल पे जाना। तो उससे क्या हुआ, एक पहचान बन गई बाहर, तो जो हमारे दूसरे प्रोड्यूस है वो भी हम बाहर, एक कॉन्टेक्ट बन गए, तो वो भी हम बाहर बेचने लगे। ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स है, उनसे हमारा पैन इंडिया भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है। अच्छा, बहुत संक्षेप में, बहुत ब्रीफली, दो तीन ऐसी चीजें जो कोई और फूलों की खेती करना चाहे और उसको दुनिया तक पहुंचाना चाहे, मार्केटिंग उसकी, ब्रांडिंग उसकी करना चाहे, संक्षेप में बताइए क्या क्या दो तीन चीजें खास हो सकती हैं जो ध्यान में रखने वाली है? दो तीन चीजें हैं इसमें कि एक जो एक फ्लावर है, एक डेलिकेट आइटम है, इसको एज सून एज पॉसिबल मार्केट तक पहुंचाना है, और टाइमली ऑपरेशंस की जरूरत है, और आपको कमिटेड रहने की जरूरत है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। एक बार तालियां जरूर बजनी चाहिए रूबीना तबस्सुम जी के लिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है आप हम सब के लिए, और हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह से इस कार्य में जो आप कर रही हैं लगातार आगे बढ़ते रहें। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, और उस हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच लीना शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है लीना जी आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवभूमि से आप आई हैं, इतना खूबसूरत प्रदेश है, और आप वहाँ अनाज भी वहाँ खेतों से उपजाती हैं, फल भी, सब्जियाँ भी, बहुत कुछ सुना आपके बारे में, लेकिन ज़्यादा कुछ जानने के लिए आपकी एक ये भी देखनी पड़ेगी हमें, जो आपकी यात्रा है अभी तक की, पहले वो देखते हैं और फिर आपसे बातचीत करते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एक छोटा सा पहाड़ी गांव पंजियानो। खेतों में लहलहाती फसलें, सब्जियों और फलों के पौधे पूर्ण रूप से जैविक खेती का ही परिणाम है। इसका श्रेय जाता है लीना शर्मा जी को। साठ बोला पेड़ी सवाना पंगड़े बेड़े। ये गांव
प्राकृतिक खेती का एक अनुसरणीय उदाहरण बन चुका है। मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और इस खेती का प्रशिक्षण मुझे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से मिला और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मुझे लगा कि ये प्राकृतिक खेती हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य और हमारी जमीन के लिए बहुत लाभदायक है, इसीलिए मैंने इसको करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक खेती के लिए जैविक खाद भी लीना जी स्वयं ही तैयार करती हैं। इसके लिए गाय का गोबर, गौमूत्र, लस्सी, पेड़ों के पत्ते और अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं। लीना जी ने अपने गांव में अन्य महिला किसानों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। इसके साथ आपने जो है ये लगानी थी, दालों की फसलें लगानी थी, जैसे कि टमाटर लगे, अगर इसमें ऐसा रोग लग जाता है, इस तरह का अगर रोग लग जाता है तो इसके लिए आपने खट्टी लस्सी का प्रयोग करना है और इसके यहाँ किनारियों में आपने दालें बीजनी है, क्योंकि दालों से जो है इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है और हर 21 दिन के बाद जो है आपने इसमें जीवामृत की स्प्रे करनी है आप लोगों ने इसमें। एक देख क्या कर। यही नहीं, लीना जी ग्रामीण किसान महिलाओं को जैविक खेती की पूरी विधि का प्रशिक्षण भी दे रही हैं, ताकि वो भी इसमें पारंगत हो जाएं। प्राकृतिक खेती करने से मुझे भारत की 10 किसान महिलाओं में स्थान मिला है और उसके बाद मैंने अपने गांव की सभी महिलाओं को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इस सराहनीय कार्य के लिए लीना जी को राष्ट्रीय सतह पर पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह के कार्यक्रमों में भाग भी लिया है। लीना जी को अनेक प्रकार के सम्मान और इनाम प्राप्त हो चुके हैं। प्राकृतिक खेती के लिए मुझे बहुत से सम्मानों से नवाजा गया, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर द्वारा मुझे कृषि दूत का सम्मान मिला और 15 अगस्त को SDM द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और बहुत सी संस्थाएं जैसे फोकस हिमाचल के द्वारा मुझे महिला दिवस पर सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और जो हमारा आदर्श हिमाचल है उसमें भी हमें सम्मानित किया गया और इस तरह के सम्मान मिलने से मुझे नई ऊर्जा मिली। लीना जी न केवल एक सफल किसान है अपितु सफल गृहिणी भी है। घर परिवार के प्रति अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाती है, चाहे रसोई हो या बच्चों को पढ़ाने का काम। लीना जी चाहती है कि प्राकृतिक खेती की ये परंपरा बनी रहे, इसके लिए वो नई पीढ़ी को भी प्रेरित और प्रशिक्षित कर रही हैं। ये काम उन्होंने अपनी बेटी से ही आरंभ किया है। लीना जी वास्तव में प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। तो लीना जी, ये यात्रा आपकी बहुत प्रेरक है और 2018 में आपने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन क्या पहले से आपके दिमाग में ये चीज़ें थी कि आपको कुछ ऐसा करना है, या अचानक ही कहीं से आपको प्रेरणा मिली और आपने ये शुरुआत की? सर, पहले मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मतलब खेती में। हाँ। जैसे ही मैंने 2018 में सुभाष पालेकर जी का शिविर लगाया शिमला कुफरी में, अच्छा, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी मतलब ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे बहुत पुनीत कार्य लगा, जो कि जहर मुक्त जो भोजन किसी की थाली में हम परोसेंगे तो इससे ज़्यादा पुनीत कार्य मुझे और कोई नहीं लगा, तो मुझे लगा कि मैं खुद तो करूँगी लेकिन और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूँगी। तो आप तो अपने खेतों के लिए खाद भी खुद ही बनाती हैं? हाँ जी। कैसे? जो हमारी देसी गाय, जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो देसी गाय पर आधारित है। हाँ। और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से हम इसके घटक तैयार करते हैं, जैसे कि जीवामृत, घन जीवामृत, और अपनी आसपास की जो पत्तियां हैं वहाँ हमारे वहाँ पर जिसको गाय नहीं खाती है, जो ऐसा घास जिस घास को गाय नहीं खाती है उस घास को हम इसके लिए प्रयोग में लाते हैं, इसकी कीट नियंत्रक बनाने के लिए। अच्छा, जो आपके उत्पाद हैं, फल है, सब्जियां हैं, अनाज तो है ही है, उन्हें मार्केटिंग करने का या बाजार तक पहुंचाने का क्या सिलसिला है आपका? सर, अभी तक तो हमारा ऐसा है कि जो हमारे आड़ती हैं हम उनको हटाने के लिए अपना एक किसान उत्पादन संगठन बना रहे हैं अपने हिमाचल, पूरे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। मतलब पूरे किसान मिल करके इसमें हमारी सरकार भी हेल्प कर रही है इसको बनाने के लिए, तो फिर उसमें जो है हम अपना जो उत्पादन है उसको सीधा जो किसान को जो भी उनकी इनकम है उन तक पहुंचेगी, नहीं तो मतलब आड़ती जो है बीच में हमारी फसलों का मूल्य जो ज़्यादा ले जाते हैं।
एक बहुत अच्छी बात है लीना जी जो आपने कही है कि इसको आप पुनीत कार्य मानती हैं। सिर्फ रोजी रोटी के लिए हम सब अपना काम तो करते ही हैं, कोई ना कोई बिजनेस है, खेती है, जो भी व्यवसाय करते हैं, लेकिन उससे किसी का नुकसान ना हो बल्कि लाभ हो और धरती भी सुरक्षित रहे, मिट्टी भी सुरक्षित रहे, तो इस मायने में देखा जाए तो वाकई ये पुनीत कार्य है। और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, मुझे लगता है आपकी तरफ से भी बधाई के रूप में तालियों की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी भविष्य के लिए आपके लिए। थैंक यू सर। चलिए हम हमारे साथ पंजाब से आई हैं गुरदेव कौर देओल जी, और मुझे लगता है कि बहुत सालों से आप खेती करती रही होंगी और बहुत कुछ अनुभव है जो सुनने को आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले एक आपकी इस जीवन यात्रा और जो कार्य की आपकी यात्रा रही है गुरुदेव जी, उस पर एक छोटी सी फिल्म है। ये है लुधियाना पंजाब की सफल किसान उद्यमी गुरुदेव कौर देओल। खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती के लिए ढेरों प्रशंसा पत्र प्राप्त करने वाली गुरुदेव कौर जी ने अध्यापिका की नौकरी छोड़ कृषि व्यवसाय में कदम रखा। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी से उन्होंने सब्जियों की खेती और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1990 तो लैके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना जुड़ी हुई हैं। यूनिवर्सिटी तो मैं बहुत सारिया ट्रेनिंग्स लिया, ट्रेनिंग्स दवाउण दे पिछे मेरे हसबेंड सरदार गुरदेव सिंह हुणा दा हाथ सी। मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो मधुमक्खी पालन की बेसिक 10 दिन की ट्रेनिंग लैके अपना मधुमक्खी पालन का जिहड़ा काम सीगा वह शुरू किया। गुरदेव कौर जी ने कृषि व्यवसाय का आरंभ मधुमक्खी पालन से किया, साथ ही उन्होंने शहद निकालने, साफ करने और उनकी वैज्ञानिक रूप से पैकिंग का यूनिट भी स्थापित किया। इससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ और अनेक अन्य लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। इसके बाद गुरदेव कौर जी ने अपने गांव की किसान महिलाओं को साथ ले एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। 12 सदस्यों से आरंभ किया गया ये समूह आज 218 महिला किसानों का कुटुंब बन गया है। इस तरह असीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना जुड़े, उस तो बाद मैं नवाड़ ना जुड़ी, तो फिर मैनू लगा कि साडा सेल्फ हेल्प ग्रुप सीगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ ਸਬਜ਼ੀਓ ਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਵੇਚਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ SIG FPO ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 218 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਉਨਕਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮੂਲਯ ਔਰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। गुरुदेव जी, आपने अपने घर में भी यूनिट्स लगाई या इस तरह की आप सलाह भी देती हैं कि घरों में भी यूनिट्स लगा के इस तरह का काम जो प्रोसेसिंग का किया जा सकता है, आपने अपनी इच्छा से शुरू की थी या ज़रूरत थी कुछ ऐसे काम शुरू करने की? मैंने काम अपनी इच्छा से शुरू किया था। तो मेरे को लगता था कि जब मैंने टीचर की नौकरी की तो मेरे को लगता था कि वो जहाँ सैलरी 1 महीने के बाद मिलती है, तो हम जब अपना काम करते हैं तो वहाँ डेली जो है इनकम आती है, तो इसलिए मैंने अपना काम शुरू किया और अपने काम को ही तरजीह दी। अपना काम करने में मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है, तो अभी मैं स्टिल कर रही हूँ।
तो शुरुआत तो आपने 12 जो आपके मेंबर्स थे मेरा ख्याल है स्वयं सहायता समूह के 12 मेंबर्स के साथ शुरू की थी, अभी कितना विस्तार हो चुका है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्टार्ट किया था जिसमें मेरे 12 मेंबर्स थे। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, हम सेल्फ प्रमोटेड हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने एनजीओ में कन्वर्ट किया और फिर हमने जो एक अपने गांव का संगठन बनाया, उसके बाद हमने पूरे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने 2 ब्लॉक्स लिए जिसमें हमने एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो तैयार किया और अब स्टिल हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। अच्छा, कोई इस तरह की शुरुआत करना चाहे जो आप लोग जिस तरह से एक प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने हैं, इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, आप लोग शुरुआती तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता हो जो इस तरह की खेती की शुरुआत करें, इस तरह के काम की शुरुआत करें? अब तो सरकार का इतना प्रचार है, प्रसार है कि इतनी लोग जागरूक हैं कि अगर अब काम शुरू करना चाहें तो आसानी से हो सकता है। जब हमने किया था तो तब बहुत मुश्किलें थी क्योंकि मेरे को लगता है कि हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले या दूसरे एंटरप्रेन्योर थे। अच्छा। जब हमने काम स्टार्ट किया था तो अब तो हम भी हैं लोगों को सिखाने के लिए और भी लोग बहुत हैं वहाँ पे, तो सभी हमारे साथ जितने माहिर हैं वो जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा काम चल सकता है। संगठन में काम करना चाहिए, संगठन में काम करते हैं तो हमें लेबर की प्रॉब्लम नहीं आती, सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे हमें लेबर की प्रॉब्लम आती है तो फिर कैसी लेबर मिलती है, कैसे काम करती है? जब हम संगठन में काम करते हैं, हम खुद काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है, तो सभी की इनकम जो है वो बढ़ती है तो अच्छा लगता है। क्या टारगेट आपने अपने लिए रखा है आगे के लिए? आगे के लिए टारगेट खुला ही है, खुला आसमान है जितना होगा करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत सारी बधाई भी और शुभकामनाएं भी आप सबकी तालियों के साथ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसी महिला किसान इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और अपने लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी और धरती के लिए भी, प्रकृति के लिए भी। हमारे साथ यहाँ 2 महिलाएं राजस्थान से भी बैठी हुई हैं बहुत सुंदर वेशभूषा में। आप कुछ अपना अनुभव बताएं क्योंकि आप भी इसी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और इसी तरह से महिला किसान के रूप में आप भी बहुत कुछ खास कर रही हैं। मैंने सर अनार की खेती शुरू की है क्योंकि मैं चाहती थी कि किसान को आगे बढ़ना है तो कोई अलग हटके करना होगा, तो मैंने जैविक खेती से, पहले तो हम बाजरा गेहूँ करते थे, उसके बाद मैंने सोचा इसमें तो कुछ इनकम नहीं हो रही है तो हमें आगे बढ़ना होगा, तो इसके लिए मैंने अनार की खेती शुरू की। तो अनार की खेती में हमें 3 लाख रुपये इनकम होने लगी। उसके बाद मैंने सोचा धीरे धीरे इसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, तो उसके बाद मैंने इन्हीं की कटिंग से नई पौ तैयार शुरू करने लगी। और जो मैं चाहती थी कि जो महिलाएं हैं वो किसी के आगे हाथ फैला रही थी, हाथ फैलाना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, उनको हमें आगे बढ़ाना है। तो मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए उन महिलाओं को आगे किया जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, तो उनके मैंने हजारों महिलाओं के मैंने बगीचे तैयार करवाए, उनके वहाँ लगवाया। आज वही महिलाएँ आज लाखों करोड़ों में इनकम कर रही हैं। और उसके साथ मैं चाहती थी जो युवा हमारे जो बेटे हैं जो आज पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको हर किसी के लिए तो नौकरी है नहीं, तो उन सबको आगे बढ़ाने के मैंने ये कहा कि आप भी बगीचा लगाओ ताकि आप अपनी इनकम डबल कर सको, उसमें आपका पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। तो इसके लिए हर जो बच्चे हैं सब आज हमारे हर बगीचा लगा रहे हैं और वो अपनी इनकम दुगुनी कर रहे हैं। और इसके साथ मैं चाहती थी कि जो महिलाएँ, आज मैं अपनी बात करती हूँ, गरीबी झेली है मैंने, मेरे पास अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 3,000 रुपये नहीं थे क्योंकि मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे, तो तब मैंने बागवानी को चुना था। तो आज मैं इस इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची हूं कि मैं आज 30 लाख रुपए कमा रही हूं। तो ये करके अपनी बेटी को दहेज में मैंने 551 पेड़ दिए थे समधी जी को। क्या बात है बहुत अच्छी बात है। आपके बिल्कुल बगल में बड़ी सुंदर वेशभूषा जो राजस्थान की है उसी में एक और महिला हमारी किसान बैठी हुई है, सागर कंवर जी नाम है आपका शायद ना? सागर जी आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट से, पाली जिले से। हाँ। आप किस तरह की खेती करती हैं या क्या करती हैं आप? हमारे सर हमारे घर पे हमें सभी प्रकार की खेती करते हैं, जैसे कि अरंडी की खेती हमारे खेत में ज़्यादातर लगाई हुई है और अरंडी की खेती हम मतलब अरंडी भी की खेती भी करते हैं और साथ साथ में हम पशुपालन का भी कार्य करते हैं। जैसे कि पशुपालन का कार्य करने के बाद में हमारे एरिया में एक आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी भी बनी हुई है जो हमारे पशुपालन का जो दूध
सर होता है ना, वो कंपनी सभी महिलाओं की कंपनी है, जो हमने लगभग 18 या 35 महिलाओं के शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे एरिया में 6,650 गांव जुड़ गए हैं और आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में 35,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। और उसके बाद में एक अरंडी का भी एक समृद्धि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों द्वारा बनाई गई है। और एक्चुअली मेरा घर का तो कार्य यही है, खेतीबाड़ी का है और पशुपालन का कार्य। जी जी, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भी सागर जी। और मुझे लगता है कि यहाँ जितनी हमारी महिला किसान बहनें बैठी हुई हैं, सबके अपने अपने अनुभव और सबके अपनी अपनी चुनौतियों के साथ उपलब्धियाँ ऐसी हैं कि हर एक की कहानी सुनकर बहुत प्रेरणा मिलेगी। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपसे जो बातचीत हुई है उसके लिए बहुत बहुत आभार रुबीना जी, आपका भी, लीना जी और गुरुदेव कौर देवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है, उत्सव मनाने का समय है, और इस उत्सव मनाने में एक रंग बड़ा ख़ास होता है हमारे गीतों का, और वो भी मनोज तिवारी जी जैसे इतने प्रख्यात कलाकार, गायक कलाकार हों तो उनकी गायकी को। और ख़ास बात ये है, मैं आपको बताऊं कि ये जो गीत मनोज जी ने गाया है वो हमारी जो महिला किसान हैं उनके उनके जज्बे को, उनके हौसलों को ही समर्पित किया है। तो मुझे लगता है कि ये गीत आप ही लोगों के लिए मनोज जी ने गाया है, और हम सब मिलकर इस गीत को देखते हैं, सुनते हैं और इससे भी हम सब प्रेरणा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी लोगों को, जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, महिलाएं, जो किसान हैं, जो किसानी से जुड़ी हैं, आप सबके सामने मुझे आने का मौका मिला। मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं आप सब लोगों को। और जैसे धान आता है तो उसकी दौरी होती है, उसके आजकल हालर भी आ गए, सब सिस्टम बना के तुरंत मार्केट चला जाना चाहिए, नहीं तो बारिश हो गई तो फिर वो खेत में ही खराब हो जाएगा खलिहान में। ये सब मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, ये सब मेरी माँ करती है। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे इसको और भी प्रोत्साहन दिया है, तो मेरा एक मैंने गीत बनाया है जो मैं पहली बार किसान चैनल पे गा रहा हूँ। हमको पता है भारत की है शान बेटियां, हमको पता है देश का है अभिमान बेटियां, भारत की प्रगति का अंदाजा कौन करे। जब बन रही है भारत की किसान बेटियां, अब बेटियां खेती में भी लीड करेंगी, अब खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, पुरुषों से भी उम्मीद करेंगी बेटियां, पुरुषों से भी उम्मीद करेंगी बेटियां, अब खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, अब खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां। माँ से अच्छा कौन डिसाइड कर सकता है कि बच्चे को कब क्या चाहिए,
और जब खेत को बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, तो वो भी एक बहन से अच्छा कौन समझ सकता है। कब बीज डालने हैं, कब बीज डालने हैं, क्या बीज डालने हैं, क्या बीज डालने हैं, क्या बीज डालने हैं, कब बीज डालने हैं, क्या बीज डालने हैं, कब बीज डालने हैं। अब खेतों को भी फीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, अब खेतों को भी फीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, पुरुषों से भी उम्मीद करेंगी एक लंबे समय तक। जब पिताजी कंधे पे हल लेके जाते थे, खेत में काम करते थे, या कोई मजदूर खेत पे काम कर रहा होता है, तो मैंने अपनी माँ को रोटी बना करके मजदूरों को लेके घर खेत पे जाते हुए देखा है। अब जब बहनें आगे आएंगी तो पुरुषों से भी उसी सहयोग की उम्मीद तो रहेगी ना, बिना सहयोग के कैसे चलेगा। कब बीज डालने हैं, क्या बीज डालने हैं, कब बीज डालने हैं, क्या बीज कब डालने और क्या डालने, ये खेती में बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये गाना मैंने अभी अभी लिखा भी है, कंपोज भी किया है और गा भी रहा हूं। क्या खाद डालने हैं, कब खाद डालने हैं, क्या खाद डालने, कब खाद डालने हैं, कब बीज डालने हैं, क्या बीज डालने हैं। अब खेतों को भी फीड करेंगी बेटियां, अब खेतों को भी फीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, अब खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, पुरुषों से भी उम्मीद करेंगी बेटियां। किसानी में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, मैं ठीक बात कह रहा हूं ना, तो आपकी भी तालियां तो बजनी चाहिए हमारे साथ। अब खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, अब खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, दादी से पूछेंगी, मैया से पूछेंगी, पूछना कि क्या आप किससे पढ़ाई किससे करें, आपकी जो सीनियर है ना आपके घर में, अब इसको पूछना पड़ेगा, दादी से पूछो, नानी से पूछो, दादी से पूछेगी, नानी से पूछेगी, बारी किसी जो बातें हैं वैज्ञानिक से पूछेगी, बारी किसी जो बातें हैं वैज्ञानिक से पूछेगी, कुछ पढ़ के जानेगी, कुछ करके जानेगी, कुछ पढ़ के जानेगी, कुछ करके जानेगी। पीएम का है सपना, व्यापार बहन का हो अपना, पीएम का भी है सपना, व्यापार बहन का हो अपना, पुरुषों से भी भैया से भी उम्मीद करेंगी बेटियां, देश की बेटियां, अब
खेती में भी लीड करेगी बेटियां, देश की बेटियां। अब पुरुषों से उम्मीद करेगी बेटियां, देश की बेटियां। यहाँ भी तो बड़े रिकॉर्ड धरेगी बेटियां, देश की बेटियां। अब खेती में भी लीड करेंगी बेटियां, देश की बेटियां। ये सच है कि हमारी महिला किसान